इंडिया के साथ अभी तक हमारी दो जंगें हो चुकी हैं, दो नहीं चार तकरीबन हो चुकी हैं। चलें सॉरी चार होगी होंगी तो जंग 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, कहते हैं कि पाकिस्तान जीता था, हमारे बुक्स में लिखा हुआ है। जीता हुआ भाई हमारा पाकिस्तान जीता हुआ, इंडिया कहाँ लाके बंदे क्या हुआ? नहीं नहीं बुक्स भाई ये तो ऐसे बताया गया ना, लेकिन उनमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक ही जीती है। पैंसठ वाली 65 की जीती है लेकिन है नहीं ऐसा, ऐसा है नहीं, नहीं जीती बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जीतने वाली। इंडिया की बुक्स उठा के पढ़ो पता चले क्या था ना, ये भाई इंडिया से आए लगता है। आपने उन पे तो इल्जाम लगा दिया कि आप इंडिया से आए हो, उन्होंने अगर झूठ बोला तो बताओ, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई झूठ बोला है। कौन सी जंग मतलब आप बताएंगे, आपको लगता है हम जीते हैं? फिर मैं भी बोल 1971 की जंग कौन जीता? इंडिया। अच्छा तो आप इंडिया से आए? नहीं मैं इधर ये साल ही रहता हूं। जितना इलाका अपने कब्जे में लिया था इंडिया ने, उससे 300 गुना ज्यादा पाकिस्तान का इलाका अपने कब्जे में लिया था। ये बात आपको बताई गई है, बुक्स में नहीं बताई गई। तो पाकिस्तानी ने कबूल कर लिया कि हाँ हम इंडिया से हारे हुए हैं, हम इंडिया से कभी भी युद्ध में नहीं जीत पाए, इवन इंडिया ने हमारे ऊपर और भी ज्यादा कब्जा कर लिया। यह बात है पाकिस्तान में खड़ा होकर एक पाकिस्तानी मुसलमान बोल रहा है, तो उसके पास खड़ा हुआ बंदा उसको बोलता है क्या तू इंडिया से आया है, क्या तू इंडिया का एजेंट है, तो भाई भारत की तारीफ करने पर वे उसको एक गद्दार बताने लगे। तो क्या है पूरी वीडियो और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, चलिए वीडियो को देखते हैं। बात करते हुए ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में लाहौर में खासतौर पे, टॉपिक जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि अभी जो इस टाइम सिचुएशन है पाकिस्तान की और गवर्नमेंट की तरफ से कभी मरियम औरंगजेब कभी शहबाज शरीफ या इस तरीके से स्टेटमेंट आती है कि उतना नुकसान हमारा इंडिया ने 75 साल में कर सका जितना इमरान खान साहब ने कर दिया, ये जो इस टाइम सिचुएशन है उसे देखते हुए क्या कहना चाहेंगे इसको? जी सबसे पहले तो ये बात है कि कोई भी सांसदन ऐसा नहीं है जो एक दूसरे की टांगे ना खींचे। शहबाज शरीफ साहब आते हैं, शहबाज शरीफ साहब इमरान खान आए, शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने टांगे खींची हैं, तो अपना उन्होंने रूल भी किया 3.5 साल या 4 साल। उस जैसे ही वो उनको उतारा गया है वो अदम एतमाद करके, अब वो उनकी टांगे खींच रहे कि किसी तरह इमरान खान साहब को फिर से पीछे कर दिए। पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, लेकिन किसी को कत्ल की धमकी दे देना या इस तरीके से स्टेटमेंट देना, गोलियां किसी पे चलवा देना या किसी को अरेस्ट कर लेना, उठा लेना, किडनैप करना, ये क्या ये भी होना चाहिए? किसने धमकी दी कत्ल की? और डायरेक्टली अगर राणा सनाउल्ला की बात करें या इसके अलावा, फालतू इंसान है, उसकी बात सुनने वाली को ऑथेंटिक बंदा है, वो तो बोलता रहता है। अरे मिनिस्टर हैं वो भी, तो बस ऐसे बोलता रहता है बोलने के लिए, हाँ मैं भी कह दूंगा मैं कत्ल कर दूंगा। अंकल से मैं भी ये बात कर रहा था, अंकल मैं ये बात कर रहा था हमारे आपस के इंटरनल मामलात हैं, जैसे पीटीआई है जो भी है हमारी पार्टी है, नून लीग भी पाकिस्तान की हमारी पार्टी है, बीच में हम इंडिया को कहां से ले आते हैं कि उतना इंडिया ने नहीं 75 साल में नुकसान किया? नहीं बात कुछ नहीं ना मिलता तब इंडिया, यही बात है ना, मतलब अपना तो नुकसान इंडिया भी यही करता है जब उनको कुछ नहीं मिलना पाकिस्तान, और पाकिस्तान को कुछ एग्जांपल वो उनके वहाँ पे जो पॉलिटिक्स चलती है उन्होंने कब पाकिस्तान का कहा कि भाई ये जो पाकिस्तान की वजह से, कोई मिसाल? नहीं मिसाल नहीं, जब भी उनको भी ऐसे होता है ना, जब कोई बात ना मिले पाकिस्तान की बात ला के वो अपने लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं, ठीक है अपना पॉइंट बना लेते हैं, ऐसे ही सेम पाकिस्तान में है। आपको लगता है कि ऐसा है कि वो पाकिस्तान की बात, कोई एग्जाम्पल कोई है आपके सामने? क्या मतलब इंडिया की? इंडिया की, हम हर बात में इंडिया को क्यों ले? देखें इंडिया के साथ अभी तक हमारी दो जंगें हो चुकी हैं, दो नहीं चार तकरीबन हो चुकी हैं, चलें सॉरी चार होगी होंगी तो, लेकिन उनमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक ही जीती है, 65 की जीती है। लेकिन है नहीं ऐसा, ऐसा है नहीं, नहीं जीती वो बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जीतने वाली। इंडिया की बुक्स उठा के पढ़ो पता चले क्या था, पाकिस्तान की पढ़ो पाकिस्तान जीता, इंडिया के पढ़ो इंडिया जीता है, ये बात ऑथेंटिक है, ये जीता हुआ भाई हमारा पाकिस्तान जीता हुआ, इंडिया कहां लाके बंदे क्या हुआ? नहीं नहीं बुक्स भाई ये तो बताया गया ना, ये भाई इंडिया से आए लगता है। नहीं अपने मुल्क की बात करो, इंडिया के पहुंच गए हो, ये देखें एक मिनट पाकिस्तान में खड़े और ये कहते हैं चारों जंगे हम जीते हैं, नहीं मतलब इसका हकीकत नहीं है, यही बात है। मैं इधर खड़ा होकर ना मुतालिया पाकिस्तान 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ाई जाती है ना, उसमें सब झूठ है, कुछ हकीकत नहीं बयान की जाती उसमें। आपने उन पे तो इल्जाम लगा दिया कि आप इंडिया से आए हो, उन्होंने अगर झूठ बोला तो बताओ, तो मैं भी कहूंगा कि हाँ भाई झूठ बोला है। कौन सी जंग मतलब आप बताएंगे, आपको लगता है हम जीते हैं? फिर मैं भी बोल 1971 की जंग कौन जीता? इंडिया। अच्छा तो आप इंडिया से आए? नहीं मैं इधर ये साल ही रहता हूं। तो आपने क्यों बोला कि इंडिया जीता? ये भाई वो फजूल बातें कर रहे थे, इसलिए 65 की जंग में भी इंडिया ने पाकिस्तान का जो इलाका ना 300% इलाका जो पाकिस्तान के उनका इलाका, सॉरी यार 65 की जंग में ना पाकिस्तान ने इंडिया का जितना इलाका अपने कब्जे में लिया था इंडिया ने, उससे 300 गुना ज्यादा पाकिस्तान का इलाका अपने कब्जे में लिया था। ये बात आपको बताई गई है, बुक्स में नहीं बताई गई, हमारी बुक्स में नहीं बताई गई, लेकिन जो बताई गई है इंटरनेशनल लेवल की बुक्स में बताई गई है, बड़े लेवल पे बताई गई है ये बुक। आज भी हम सबक क्यों नहीं सीख लेते? आज भी चार जंगें हुई, देखिए जो आप थोड़े एजुकेटेड हैं आप चीज़ों को समझते हैं, वो लड़का भाई था चला गया, वो जब बाद में आके उसने बोल दिया आप इंडिया से आए हो, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता। क्या आपको लगता है कि चार जंगें हुई जो हमने नुकसान उठाया फिर भी हम जो उनसे इंडिया की जान नहीं छोड़े, हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं, हम डेवलपमेंट के हवाले से क्यों नहीं सीखते या डेवलपमेंट के हवाले से क्यों नहीं उनकी बात करते? ये असल में जो आर्मी है ना वो अपने इलाकों को कंट्रोल कर नहीं सकती, जब उनको कोई बात में, अब हमारे पास सिंध है बलोचिस्तान है वो हमारे कंट्रोल में है, हम उनमें क्या डेवलपमेंट कर सकें?
पंजाब तो अपने लेवल पे, पंजाब ने डेवलपमेंट की है, सिंध बलोचिस्तान वो कहाँ पे, वो पाकिस्तान नहीं है, कश्मीर की अगर वो एक कच्चे इलाके का, आपको पता है वहाँ पे डाकुओं को आज तक मसला नहीं हो सका, क्यों 2023 में हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे इलाके मौजूद हैं और वो भी पंजाब के साथ बिल्कुल ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे डाकुओं का राज है, ना वहाँ पे पुलिस नहीं जा सकती। पाकिस्तान बना आज तक राज है, कोई नहीं हटा सका उनको, आर्मी कोई नहीं हटा सकती, क्यों आपको नहीं लगता उनके पीछे कोई पॉलिटिशियंस होंगे? नहीं तो पुलिस हो, स्टेट हो, आर्मी हो, पाकिस्तान की एजेंसीज हो, आर्मी होगी, क्यों नहीं रिजॉल्व कर सकती उनको? कर सकती है, इन्वॉल्व है। मैं ऐसे कहता हूँ उसके ऊपर किसी का हाथ होगा, एक मिनट में पकड़ सकते, क्यों नहीं पकड़े, वो अंदर से निकाल सकते। एक करोड़ मांग रहे होते हैं, ऑनलाइन वीडियो डेली भेज रहे होते हैं, कोई नहीं पता मांगते हैं, इसका मांग रहे हैं। ये बताएं कि जो सिचुएशन है ये बेहतरी की तरफ आएगी, और दूसरे नंबर पे जो हकीकत है, जो हिस्ट्री है, वो पाकिस्तान की पब्लिक को पता चल पाएगी या फिर कोई हकीकत की बात करेगा, सच की बात करेगा, करेगा रोड पे खड़ा होकर तो कोई भी कह देगा तुम इंडिया से? उसको बताया नहीं, उसको नॉलेज में कमी है ना उसकी, उसको पता नहीं है, उसको जैसे बताया वो अपने नॉलेज के बेस पे कहेगा ये गलत है, उसको हकीकत का जब पता चलेगा ना, जब वो खुद बुक्स को पढ़ेगा आगे आके फिर उसको पता चलेगा। बात है कोई भी चीज़ है, हम अपनी अपनी गलती को मानेंगे, हकीकत को एक्सेप्ट करेंगे तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर इन्होंने ये बात की है, इन्होंने अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात, ऐसे ही है। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये भाई ने बोला कि इंडिया से आए हो, आपको अब बुरा तो लगा होगा? ऐसे ही है, ऐसा है, क्योंकि हकीकत वो नहीं जानते ना। और जब मैंने पूछा 1971 की कौन जंग जीता, तो उन्होंने कहा इंडिया। ऐसे ही है, पाकिस्तान का बांग्लादेश अलग हुआ साथ है। एक मिनट अगर आप इजाजत दें, मैं इनसे पूछता हूँ, भाई ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो चार जंगें जीत गया हमारे से, ये कह रहे हैं गलत है? नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने बुक्स पकड़ी हैं इसलिए ये कह रहे हैं कि इंडिया चार जंगें हमारे से जीत गया, ये कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? किताबों में तो हम जीते हैं, लेकिन हकीकत में तो इंडिया जीता। भाई जो कह रहे थे इंडिया की तरफ से आइए, तो यहाँ तो हर पब्लिक को पता है इस टाइम पे। खैर, ये बच्चों से पूछते हैं, आपको बुक्स में कुछ पढ़ाया जाता है कि कौन जंग जीता? इंडिया। वो तो अभी आपने पाकिस्तान जीता था। कौन सी जंग? 1965 की जंग हो या 1971 की जंग, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जीता था, हमारे बुक्स में लिखा हुआ है। लेकिन हकीकत में क्या? अच्छा, हकीकत मान लेना, देखिए जंग में हार जीत होती है, नो डाउट के हमें भी दुख है, हमारे जवानों की जाने गई, हमारा नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, लेकिन हकीकत को मान के आगे डेवलपमेंट की तरफ जाना बेहतर है या फिर झूठे ख्वाब और झूठी बुक्स लिखते रहना कि हम जीते, हमने नाको चने चबा दिए, वो बेहतर? नहीं नहीं, हमें देखा जाए कि कश्मीर का जो मसला है ना, कश्मीर के मसले को साइड पर रखा जाए, क्योंकि इसके अलावा दूसरे मुल्क ने OIC बना था। OIC किस लिए बना था? OIC में ये कहा गया था कि जो कश्मीर और फलस्तीनों पर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, और सऊदी अरब के उसके जिद्दा में उसका वो है, इसका OIC का मेन हेडक्वार्टर है, मगर वो काम नहीं करे तो हमें क्या जरूरत है? हम इतने छोटे से मुल्क होकर हम उधर जाएँ, ठीक है, उससे बेहतर है कि हमें सोचना चाहिए, ठीक है, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। आपने बोला OIC बना कश्मीर को लेकर, और आपने ही ये बोला कि भाई दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं है इस तरीके से उनके लिए बात कर रहे। मैं आपको बताऊं, इवन सऊदीया की अगर बात करें, वो कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, UAE फलस्तीन हो तो फलस्तीन पे कितना जुल्म हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोल रहे सऊदी वाले, तो हमारा क्या हक है हम बात करें? हर चीज में नो डाउट जहाँ पे अगर कोई गलत है हमें बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हमने ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इसराइल के साथ क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, हमारा हक है, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप कह रहे हैं, आप एजुकेटेड है, आप कह रहे हैं यहाँ पे किसी दूसरे से या किसी मौलाना से पूछेंगे वो आप पे फतवा लगाएगा? हाँ, वो तो फतवा लगाएगा, मगर इसराइल से ट्रेड करना चाहते हैं वो तो सबका अपना यूआर पॉइंट है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं, अभी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ या और मरियम औरंगजेब की बात करें जो कि मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि उतना नुकसान पाकिस्तान को 75 साल में इंडिया नहीं पहुंचा सका जितना शहबाज शरीफ और उसने इमरान खान ने पहुंचा दिया, क्या कहें? ये बात सही है, क्योंकि यूथ ने बड़ा काम खराब किया हुआ है, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट की जो भी वो थी ना कि उनको जलाया हुआ है, ये गलत उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। वो तो कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये कुछ और लोग थे जिन्होंने हमारा नाम लेके ये गवर्नर को अगर बात करें जिना हाउस पे या इस तरीके से अटैक किया। देखा आपने कैसे पाकिस्तान का लड़का भाई इस बात को बोल रहा है कि खड़ा हो गया पाकिस्तान में कि भाई हमने जो है युद्ध आ रहे हैं इंडिया से, चारों बार हमने अपनी मुंगी खाई है, हम इंडिया का बाल तक नहीं उखाड़ पाए, इवन इंडिया ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, तो भाई ये बात खुद पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं, और दूसरा भाई उसको कह रहा है कि भाई ये तो तू इंडिया से आया क्या, इंडिया की तारीफ कर रहा है इधर, तो भाई ये है पाकिस्तान का हालात, कोई अगर सच बोल देता तो भाई दूसरे लोग उसको बोलते तू इंडिया से आया, और ऐसा सिर्फ उन एंकर के साथ ही हो चुका, भाई एंकर को भी कई बार लोगों ने बोला है कि भाई तू इंडिया का है क्या, तू ISI का वो रोग एजेंट है क्या, और भाई इस भाई की बातें बड़ी अजीब लगी, भाई वो बोल रहा है कि पाकिस्तान में आज भी डाकू हो रहा था, भाई वो डाकू नहीं है, वो आतंकवादी है, वो ISI के आतंकवादी हैं जो कि इंडिया के ऊपर अटैक करने की सोचते रहते हैं, तो भाई आप भी थोड़ा अपनी नॉलेज को बढ़ा लेना, जो आप बता रहे हो कि आपने अच्छे भाई आपने सच्चाई बताई कि पाकिस्तान हमेशा हारा हुआ है, और भाई अच्छा लगा है पाकिस्तान के मुंह से भाई उन्होंने सच को कबूल किया है। दोस्तों आपकी क्या राय है, भाई आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।